बाहर 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 ही लेते रोशन मैडम क्या रोशनी बढ़ गई पहला बोल रहे कॉपीराइट आएगा पीछे आप लोग वहीं पर हो सर आप लोग वहीं पर हो रोहित हो रहा है रोहित कांग्रेचुलेशंस फॉर चलो माइक कर दे माइक माइक रख दो माइक रख दो हम मिले थे लास्ट टाइम जब जस्ट शो लॉन्च हो रहा था आप इंट्रोड्यूस कराया प्रोड्यूसर सर ने एंड अब जो है धमाकेदार टीआरपी आई है टॉप 5 में शो है कैसी फीलिंग है हर्षद एंड प्रणाली बताए बताए मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ पर हम फिर भी मेरा ज़्यादा ध्यान अभी अपनी एक्टिंग पर है कि मैं और कैसे मेंटल हम लोगों के लिए कुछ नहीं बदला है व्हेन इट स्टार्टेड आई थिंक इट वाज सेम इट्स द सेम हम लोग वैसे ही लगे हुए हैं एंड हाँ मिठाइयाँ बट रही है बस ये है ओके और कहानी और स्टोरी की बात करें तो अक्षरा मतलब अपनी बहन के लिए इतना सोच रही कि प्यार को भी कुर्बान कर दिया क्या किस तरह से ट्रैक आई थिंक फैंस आर लविंग दिस ट्रैक या आई मीन अक्षरा हमेशा से अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है उसे पता है कि बचपन में वो एक्सीडेंट जो हुआ था सीरत माँ के साथ वो मुझे ही ब्लेम करती है उसके बाद से कभी उसने मुझसे अच्छे से बात ही नहीं की है तो अब जब जाके अभी रिसेंटली जो हमारा तिलक वाला सीक्वेंस था वहाँ पर वो मुझसे अच्छे से बात करने लगी थी कि ये सब हो गया तो मैंने कहा कि वो दो पल की खुशी मेरे लिए बहुत कुछ है बहन है तो प्यार है अभिमन्यु का क्या हाल है अभी मतलब प्यार को पाना काफी अड़चने आ रही है अभिमन्यु अब अभिमन्यु के लिए ऐसा था ना कि ये सब उसने भी कभी रियलाइज नहीं किया था हुआ तो अचानक से बहता गया और मतलब इतना फ्री इतना विदाउट वो होते हैं ना कंडीशनिंग और बाउंड्रीज वो पहली बार शायद निकल के आया था और अभी ही इज गॉन बैक टू हिज किला ही इज रूलिंग देयर नाउ अकेले सो रिसेंटली एक अमेजिंग हमने प्रोमो देखा जहां एक दोनों का रोमांटिक ट्रैक सीक्वेंस हुआ पर्दे है दोनों जरूर सपना होगा हां इट वाज वेरी क्या कहेंगे काफी फैंस काफी खुश हुए थे उस वक्त रिस्पांस काफी अच्छा है एक्चुअली आई थिंक शूटिंग क्वालिटी की तो सभी बात कर रहे हैं आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग शो राइट नाउ एंड क्या ही बोले हम इतने खूबसूरत लोग हैं फ्रेम में अच्छा तो दिखेगा ही सब है फ्रेम में तो पर हम भी हम तो बहुत ही खुश हुए थे वो देखकर टू बी ऑनेस्ट लाइक आई वाज लाइक वाओ बट टच वुड लोगों को पसंद आया सो पीपल आर वर्किंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ इज द गिव एंड टेक एज एन एक्टर यू गो फर्स्ट लाइक दिस शी टेल्स मी एंड देन आई डू इट एग्जैक्टली लाइक दिस आई जस्ट गिव द आंसर हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स हो गए कि अभी डायलॉग भी हम लोग ऐसे ही देते हैं जैसे हम नॉर्मली एक दूसरे से बात करते हैं सो इट्स वेरी कंफर्टेबल जो कि बोलते कम है वॉइस ओवर ज्यादा होता है And anything you want to say about Rajan sir, you know, for giving this opportunity, the show of course is doing very great. So anything which you want to say about him? I would like to thank a lot of people, yeah, Garima to begin with. Mm-hmm. DKP. हाँ मैंने जितना रिएक्शन सुना है आई हैव हर्ड दैट शी इज अ वेरी बिजी वुमन जिस हिसाब से वो सेट पे रहती है लगता नहीं ऐसा लगता है कि पूरा ध्यान यहाँ पर है एंड टचवुड मतलब व्हाटएवर वाज प्रॉमिस्ड इट्स डिलीवर्ड एंड मोर
एंड आई एम एंजॉयिंग हैविंग फन ग्रेट फन आने वाले समय में क्या कुछ चेंज दिखने को मिलेगा क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है कसम से बता रहा हूँ मैं रोज की ना स्क्रिप्ट मिलती है और तब पता चलता है आज हम यहाँ चलेंगे बिल्कुल वैसा है बस आज ही स्क्रिप्ट मिली हमें भी नहीं बताते हैं यार कसम से आगे का ट्रैक ऐसा क्यों बताइए तो बता देंगे हम थोड़ा बता देंगे I don't know what to say. I think I work for this, and I'm happy that they're liking. I know the response is very very nice, and I look forward to such days when you know. मेरे को पता है अच्छा सीन आने वाला है मेरे को पता है they are gonna like it, and thankful always. Thank you. क्या कहेंगे आप? बहुत सारा thank you because मुझे social media पे भी बहुत अच्छा response आ रहा है सब fans का. मैं सारे edits देखती हूँ guys, and मुझे बहुत अच्छा response आ रहा है वो देखकर. मैं करती हूँ ठीक है. तो जब इतने अच्छे रिस्पॉन्स आते ना तो अंदर से एकदम बहुत अच्छी फीलिंग आती कि हाँ अब कल हम इससे डबल मेहनत करेंगे ताकि हम लोगों को और एंटरटेन कर सके. सो थैंक यू सो मच. प्रणाली माय क्वेश्चन टू यू इज यू नो सिंस हर्षद इज ऑब्वियसली समवन हु इज सीनियर टू यू एंड ही हैज वर्कड अ लॉट इन द इंडस्ट्री. सीनियर लगा क्या ऐसा जॉब वाइज लग नहीं रहा है. जब आपको पता चला कि यू नो यू हैव टू शूट विद हिम एंड ही इज योर यू नो मेन लीड सो व्हाट वाज द रिएक्शन वर यू नर्वस एंड डिड ही मेक यू वेरी कंफर्टेबल. I was nervous and yes, he made me comfortable. Also, सबके लिए यहाँ. हाँ, actually, I mean, मेरा जब mock shoot था कि of course मैं डरी हुई थी, but he made sure कि मैं comfortable हूँ and हमारा वो mock shoot in fact बहुत अच्छा गया था. हाँ, मैं भी डरा हुआ था. FYI. Yeah, but it was fab. He. I think from day one we started. Yeah. We knew. We three discussed also. Yeah. And lastly, anything you want to say to your fans, to the viewers of your show? Please keep supporting. Love y'all. Thank you, guys. बीच में सिंगल सेंटर लोग अरे सेंटर तो होने दो पूरा सिर्फ यहाँ देखना है बाकी तो ऐसे ही आए सर थैंक यू मंडल आवा रहा मंडल आला ना.